विज्ञान कक्षा 6 पाठ 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है बच्चे प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में अंतर कर लेते हैं। नंबर 2 बच्चे अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन में अंतर बता लेते हैं। नंबर 3 बच्चे जटिल परिवर्तन के बारे में बता लेते हैं। बच्चों आज हम आपको इन तीनों प्रकार के परिवर्तन के बारे में बताएंगे। तो आइए बच्चों इस शीट के द्वारा जानते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में स्वयं होते रहते हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा आपने अभी इससे पहले भी वीडियो में देखा है कि जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप आना आदि प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों से होने वाले परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही, घी और क्रीम बनाना। नंबर 7 अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फूटना, सुनामी आना आदि ऐसे परिवर्तन हैं जिन पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को धीमा या कम करना, और अगर हम किसी साइकिल या स्कूटर को चला रहे हैं और उसे हमें रोकना है तो उसकी गति को धीमी या कम करना, ये नियंत्रित परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 8 जटिल परिवर्तन। बच्चों जो परिवर्तन काफी लंबे समय और अनेक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के उपरांत होते हैं उन्हें जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण, ये जो खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वो बहुत ही लंबी क्रिया प्रतिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जटिल परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। हमारे शरीर में भी पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि जटिल परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों आज का हमारा अभ्यास कार्य है जटिल परिवर्तन किसे कहते हैं, और हमारा उत्तर क्रमांक 16 है गुब्बारे में हवा भरना व निकालना प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, पानी में चीनी को घोलना भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।